अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मॉर्निंग हो गई है भाई की और आज तीसरा दिन है। और मॉर्निंग की रूटीन ये है कि यहाँ पर कॉफ़ी लें और वॉक करते हुए आपने बस स्टेशन तक जाना है, वहाँ से फिर आपने अपनी मेट्रो पकड़नी है। अच्छा, कॉफ़ी के मुतालिक में ये सबसे छोटा साइज़ है यहाँ पर, मतलब एवरीथिंग इज़ बिग हेयर यार। मतलब हमारे वहाँ पर तो छोटा कड़क होता है, मतलब तकरीबन कोई 5 बन जाएंगे इनके छोटे वाले में हमारे छोटे। सो बस यहाँ से बस लूँगा मैं, ये स्टॉप है और यहाँ से फिर मैं आगे अपना सफ़र शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी घूमने चलते हैं हम लोग डम्बो, डम्बो से फिर हम स्टैथन आइलैंड और वहाँ से फिर आगे कहीं चलेंगे। अच्छा भाई, सेबों का जो थोक सेल है ना, वो इस तरह लगता है। ये 99 सेंट का पर पाउंड है और ये 2.50 का ये। और ये प्लम तो चेक करो ज़रा, 1.75 के। लेकिन प्लम यहाँ पर ऐसे होते हैं इस तरह के, तिकोने प्लम। ये मार्केट है फ्रूट की यहाँ पर USA में, ENH फूड मार्केट। लो भाई, आज ये फिर बंद है, मुझे सिम लेनी थी लेकिन ये जब आता हूँ बंद ही मिलती है दुकानें। तो आज का दिन भी भाई आपका सरकारी नेट पे ही गुजारेगा, मतलब जहाँ भी नेट मिल जाएगा वहाँ से यूज़ करके हम अपना काम चला लेंगे। ये जर्द पत्ते यार मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अक्टूबर के महीने में बेस्ट टाइम है यार। अभी आ गई है फिर अपनी। अच्छा, एक मैं आप लोगों को ट्रैवल ट्रिप दे दूँ। वो ट्रैवल ट्रिप ये है कि आपने जो प्लान करना है ना, ऑल द वे अप करना है। जैसे मैं ब्रुकलिन में हूँ अभी, मैं बिल्कुल अप साइड जो होगी ना, अप टाउन में मेरी आखिरी जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक जाऊँगा, फिर मैं उतरता नीचे आऊँगा डाउन टाउन की तरफ। आप अप करेंगे डाउन करेंगे तो आपका ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना। चलें, ये चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो 57 स्ट्रीट पे मैं उतर के मैं जा रहा हूँ सैंडल पार्क की तरफ। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि ये जब तक खुला हो जब तक आपने रहना है, वरना आपको कोई गाड़ी कुचल देगी। तो ये यहाँ पे सचके भाई और ये यहाँ पे सामने सेंट्रल पार्क है जो कि सबसे बड़ा पार्क है यहाँ का। आगे भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एंटीक्स शॉप्स वगैरह सब कुछ हैं, होटल्स वगैरह हैं, मतलब ओवरऑल इट्स गुड, इट्स फाइन, फंटास्टिक। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे डाउन टाउन की तरफ। सो भाई, ये मेरे सामने सेंट्रल पार्क है जहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बग्गी मिल जाएगी जो कि ये नज़र आ रही है सामने, और ई बाइक्स, स्कूटर, सब कुछ, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस एरिया से आप अगर एंटर होते हैं तो फिर सो इट्स गोइंग टू बी फन बिकॉज इट्स संडे। संडे है हॉलीडे और हॉलीडे को बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पर, और पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट है भाई। तो भाई, इस पार्क को घूमने के लिए अगर आपके पास 2 दिन का मुकम्मल टाइम हो ना, मतलब 48 घंटे और अच्छी एनर्जी, मतलब एक हैंडसम स्मार्ट बंदे की एनर्जी हो जो कि 20-25 किलोमीटर घूमना जानता हो, चलना जानता हो, उसको टेंशन ना हो, फिर आपको कहीं इसकी जो 70% है ना चीज़ें, वो आप घूम पाओगे। मतलब बारीकी से देखो, बैठो, सोचो, उसके अंदर इंजॉय करो इस तरह से। वरना तो भाई इसको बड़ी गेम है भाई, बड़ी गेम है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। ये चेक करो जी, बैठने की ऐसी जगह बनी हुई है, लोग बैठते हैं इसके अंदर जाके आराम से और एंजॉय करते हैं पूरा का पूरा मामला। चेक इट आउट गाइस, वाओ, इट्स फैंटास्टिक। और वहाँ नीचे से पूरी रोड जा रही हैं, रास्ते जा रहे हैं पूरे चलते हुए, आप आराम से जा सकते हैं। इस तरफ से भी ऐसे ही है, तो आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। अगर आप मैंने ये जस्ट स्टार्ट,
लेकिन ये बहुत अच्छा सा बनाया हुआ शेड वाला, मतलब बारिश अगर हो जाती है तो मेरा ख्याल है नहीं रुकेगी, लेकिन शुक्र है अब धूप निकल गई है और धूप निकलने के बाद आई एम फीलिंग मोर कम्फर्टेबल। क्यों? क्योंकि भाई ने देखा कल गोरियाँ जो हैं वो आधे आधे कपड़े पहन के घूम रही हैं, कोई सर्दी नहीं है तो हम क्यों ऊपर से अपर जैकेटें वैकेटें पहन के घूम रहे हैं। हमने कहा हम भी ऐसे चलते हैं, लेकिन भाई निकले तो भाई सही वाली सर्दी लगना शुरू हो गई। अब हम जो है वो गोरियों को नहीं देख रहे थे बल्कि गोरियाँ हमें देख रही थी, ये कौन सा टारजन है जो आधी आसीन वाली शर्ट पहन के न्यूयॉर्क में अक्टूबर के महीने में घूम रहा, मतलब ठंड में। लेकिन अब चलने से जो है ना वो काफ़ी टेम्परेचर मेरा मेंटेन हो गया और आई एम गुड नाउ। सो चलें एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। अच्छा भाई, क्रॉस करने के लिए आपने बटन पुश करना है और वेट करना है, जब वो चला जाएगा तो उसके बाद आपने चलना है, क्योंकि यहाँ पर भाई साइकिल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं। अक्टूबर का महीना हो, जर्द पत्ते हों दरख्तों पर, न्यूयॉर्क सिटी में आप हों और आपने अपनी बेगम से हुमैरा अहमद के नॉवेल्स की कहानियाँ सुनी हुई हों और फिर भी आप सेंट्रल पार्क विजिट ना करें, तो देन यू आर अ ड्राई मैन ब्रो, आप में मतलब चस नहीं है कोई बाकी। सो भाई अक्टूबर का महीना है, सेंट्रल पार्क है, न्यूयॉर्क में आपका भाई है और जर्द पत्तों के बीच सेंट्रल पार्क में मौजूद है। अच्छा जी, बच्चों के लिए प्लेस हॉर्सेज वगैरह भी हैं पीछे और यहाँ से ये अंडरग्राउंड टनल ले आ रही है, यहाँ जस्ट क्रॉस बाय और उसके ऊपर वो है और उस तरफ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। अच्छा जी, अब आ गए हम शीप मैडो की तरफ। ये शीप मैडो है पूरा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुत्ते वगैरह अलाउ नहीं है इसमें भाई, और ये पूरा इलाका है जहाँ बैठ के लोग चिल करते हैं, फन करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये देखो ऐसे खेल रही है, चेक करो। अब इन्होंने बॉल जो है ना वो इसके ऊपर मार के उस ये टीम जीत गई। तो कैंसर से अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, उसी के लिए सब पिंक 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 आपको नज़र आ रहा है। पूरी कंपेन इस वक्त जो है वो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में चल रही है और लोग इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और डोनेशंस वगैरह भी यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं वॉलंटियर्स के लिए। अच्छा, ये लाइन से सारे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, और ये यहाँ पर कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं अगर आपने कुछ खाना पीना हो तो। अच्छा, सेंट्रल पार्क में मेरे पीछे जो है वॉशरूम्स हैं सारे के सारे, लेकिन हमारे लिए एक मसला है यहाँ पर, और मसला ये कि इसके अंदर ना ही तो टॉयलेट पेपर्स हैं और ना ही इसके अंदर पानी है, फ्लश नहीं है, मुस्लिम शावर। सो जब भी आप इस तरह की जाएँ, स्पेशली फैमिली वाले लोग जो हैं, अपनी बॉटल पानी की लाजमी साथ लेके जाएँ ताकि आप अपना क्लीन करके आ सकें मामला अंदर से। Thanks bro, this is the first time I have done it. Hi, thanks. Hello. Hi, I'm Raf. Nice meeting with you. Hey, before you guys go, can we take a group picture? Yeah, let's take a group picture. You can say capoeira. One, two, three. Capoeira. अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है इस पार्क की, और वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टीज जो न्यू न्यूयॉर्कर्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं लोग, जैसे मैं हूँ यहाँ पर अभी कोई नहीं है मतलब या सच कोई मतलब सोशल सिस्टम, सो ये लोग ना पार्टीज़ वगैरह अरेंज करते हैं, जैसे कि अभी ये पार्टी है, इससे पहले एक पार्टी थी, सो उसमें ये लोग सोशलाइज होते हैं, मतलब दुनिया से हान से आए हुए लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, दे गेट टू नो ईच अदर। सो दिस इज़ अ गुड वे टू लाइक, इफ़ यू आर अलोन हेयर देन यू कैन हैव सच कंपनीज एंड यू नॉट फील अलोन इन यू आर एंड। और इनकी पंच लाइन भी इन्होंने लिखी हुई थी पीछे, मैंने देखा वो ये थी कि अगर आप अकेले हैं तो पूरा शहर आपके साथ है, फाइन, फंटास्टिक, फंटाबुलस, बट स्टिल रेशियल सिस्टम और जो सोशल सिस्टम है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त है, मगन है, लेकिन इनका ये लाइफ स्टाइल है, जी रहे हैं, ठीक है, फाइन, व्हाट प्रॉब्लम वी कैन हैव इन इट। अच्छा यार, मैंने ये बहुत घूमा सेंट्रल पार्क, बहुत घूमा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और होगा भी नहीं, ऑफकोर्स इतना बड़ा है, तो मैं बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे नहीं इजाज़त, किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन से फिर आपसे न्यूयॉर्क से मुलाकात होगी। गाँव में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।